मंत्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महाराष्ट्र शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी द्वारा मुंबई के बोरीवली स्थित कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवन सिंह सोलंकी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के नेतृत्व में 2 अप्रैल को जयपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन केसरिया महापंचायत आयोजित किया गया है, जिसमें 21 मांगों को सरकार के समक्ष रखेगी करणी सेना। इस दौरान कार्यक्रम में देश के हर कोने में बसे राजपूत समाज के लोग जयपुर में 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत में सम्मिलित होंगे। महाराष्ट्र मुंबई से भी लोग बड़ी संख्या में केसरिया महापंचायत में पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ बताए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसरिया महापंचायत होने वाले कार्यक्रम को लेकर, देखिए मुंबई और महाराष्ट्र में उपस्थित राजपूत समाज को आमंत्रित किया, जिसमें सुमेर सिंह चौहान, श्रवण सिंह, हिम्मत सिंह दांतीवाड़ा, चंदन सिंह मिथड़ी, महेंद्र सिंह सोढ़ा, संदेश दुर्गवले उपस्थित रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, उसका मुख्य कारण है कि 2 अप्रैल को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा केसरिया महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं, जिसके मांग के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब जो है, इस सभी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। उसके बाबत 2 अप्रैल में जो कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पिछले आप लगभग 7 सालों से अगर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अगर कामकाज देख रहे हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्यों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राजपूत समाज के लिए काम कर रही है। अन्य जातियों के लिए भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हमेशा मांगे उठाती रही है। 2 अप्रैल को जो जयपुर में कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसका नाम हमने केसरिया महापंचायत दिया है, और उसमें हमारी कुछ मांगे हैं जो आरक्षण के लिए भी है। ईवीएस में 10% की जगह 14% करने की हमारी मुख्य मांग है, और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन में हमारे महापुरुषों के किसी के नाम से एक बोर्ड का गठन किया जाए, उसके बाबत ये सब भी मांगे काफ़ी हैं जो मेरे पास अभी आपके सामने है। ये मांग पत्र है जो टोटल हमारी 21 मांगे है उस कार्यक्रम में समाज के सामने और सरकार से मांग की जाएगी। क्योंकि आप राजस्थान की अगर स्थिति देखी जाए, तो जिसमें हमारा वहाँ पर इतनी हालत समाज की हुई है कि उस दर भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से देखा जाए, अपराध बहुत बढ़ गया है, शिक्षा में वहाँ पर बहुत कमी है और सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और हमारे समाज के भी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही, हल्के में ले रही है। आनंदपाल के टाइम जो मुगध में हुए थे फर्जी एनकाउंटर में, हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं पर जो मुगध में हुए, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब के ऊपर भी मुगध में है, और लगभग 12,000 लोगों को उसमें झूठे मुगध में फंसाया गया था उस आंदोलन के दौरान। वो सभी मुद्दे जो है मुगध में वापस लेने के लिए, वो भी हमारी इसमें मांग है। दूसरा, महापुरुषों के ऊपर जो फिल्मों द्वारा या फिर अन्य चीज़ों द्वारा जो महापुरुषों को तोड़ मरोड़ कर उनके ऊपर कहानियां बनाकर जो पेश करते हैं, उसके ऊपर भी सरकार कठोर कार्रवाई करे या उसके ऊपर कानून लाए, उसके ऊपर हमारी वो मांग है उसमें। दूसरा, राजपूत समाज अगर कहीं पे भी कोई मांग रखता है या प्रोटेस्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर जल्दी मुगध में डाल दिया जाता है और लोगों को फंसाया जाता है। पद्मावत में भी देखे जाए तो जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया था, तो कई लोगों पर आज भी मुगध में है, वो भी हमारी वापस लेने की मांग है। और मैं पूरे समाज से, जो 22 राज्यों में राजपूत समाज करणी सेना से जुड़ा हुआ है, अन्य राज्यों में भी बहुत हमारा समाज है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना 2 अप्रैल को हमारा जो कार्यक्रम केसरिया महापंचायत रखा गया है, उसमें आप सभी साक्षी बने और समाज की ताकत सरकार को दिखाए, और आप सभी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इस केसरिया महापंचायत को सफल बनाए। नहीं, राजपूत समाज के जो नेता हैं, जो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, उन सभी को निमंत्रण दिया है और सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो अन्य नेता हैं जो समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, जो समाज के लिए हमेशा आंदोलन करते हैं या समाज की मांगों को रखते हैं, उनको सबको आमंत्रित किया है और वो लोग सभी उपस्थित रहेंगे। लगभग लाखों की संख्या में वहाँ लोग रहेंगे। और मैं मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए मैंने कि मुंबई में जो हमारे राजपूत समाज है, महाराष्ट्र में, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ, तो पूरे महाराष्ट्र से भी और मुंबई समेत हज़ारों की संख्या में यहाँ से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे
और इसमें सब साक्षी बनेंगे। मुंबई से हमारे लोगों के जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है और बाकी जिलों से जो महाराष्ट्र के अदर जिले हैं वहाँ से भी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं और जो ट्रेन की सुविधा है जहाँ से वो ट्रेन से लोग पहुँचेंगे और सभी की व्यवस्था सबके कंफर्म कर दिए गए हैं उस हिसाब से। और हर जिले में हमारे महाराष्ट्र में लगभग 10 लोगों के नंबर हमने स्प्रेड किए हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और वो लोग पहुँचेंगे वहाँ। और आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं राजपूत समाज से बस ये इतना ही कहूँगा, जितने भी लोग हमारे मुंबई महाराष्ट्र में उपस्थित है या अन्य राज्य में उपस्थित है 2 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे समाज की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा घर त्याग दिया अपने समाज के लिए, वो महीने के अपना 28 दिन समाज के लिए दौड़ते और 2 दिन घर पे जाते रहेंगे। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि उनका जो काम है उसका 1% भी अगर हम लोग वहाँ करेंगे, एक दिन अगर समाज के लिए निकालेंगे तो सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब की ताकत बढ़ेगी, वो और मजबूत होंगे और हमारी समाज की जो मांगे हैं और मजबूती से वो सरकार से सामने मांग रखेंगे।